Life. To save the life lives of more than 4,000 people. We worked for the developmental works of the nation. And I'm very happy. This time I'm chief. But after some time, I will raise him again. मैडम कल आपने जो ट्वीट किया, हालांकि उसको पुलिस इंतजामिया ने जो है वहां पर उन्होंने रिपोर्टर किया, लेकिन आज हमने देखा कि कई तादाद में जो है यहां से नॉन लोकल लेबरर जो है वो बाहर जा रहे हैं, तो आप उस चीज को कैसे? आपको अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल गया तो मैं क्या बताऊँ, आपने जो खुद देखा। एक तरफ बीजेपी यहाँ दावा कर रही है की जम्मू कश्मीर में अमन अमान कायम है, लेकिन देखिए जम्मू कश्मीर के लोग दो मुल्कों की दुश्मनी के बीच फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी, उनके मामलात, उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन सारा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि दो मुल्क आपस में लड़ रहे हैं और जम्मू कश्मीर उसका शिकार हो रहा है, जिसमें हमारे बाहर से हमारे गरीब मजदूर लोग वो भी इसी का शिकार हो गए। जो डॉक्टर साहब इतना लोगों की खिदमत करते थे, इतने अच्छे इंसान थे, नेक इंसान थे, ये भी उसी दुश्मनी का शिकार हो गए हैं। और इसमें कोई भी रास्ता नहीं है कि जब तक ये मुल्क आपस में मिल बैठ के एक दूसरे के साथ इफामो ताफीम से रिकंसिलेशन जैसे वाजपेयी जी के वक्त में हुआ था वो रास्ता नहीं अपनाएंगे, तब तक तो खुदा ना खास्ता जम्मू कश्मीर के लोगों को और मुल्क के लोगों को इसी तरह ये जो हादसात है ये हादसात खुदा ना खास्ता होते रहेंगे। डॉक्टर फारूक इससे पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, कल उन्होंने अपने बयान चेंज किया और कहा कि तब तक कोई बातचीत नहीं होगी पाकिस्तान से जब तक ना यह दहशतगर्दाने हमले जो है बंद किए जाएं। तो अब मैं क्या करूं? अगर उन्होंने कल एक बात कही आज दूसरी बात कर रहे हैं तो उसमें मैं क्या? आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, रूलिंग गवर्नमेंट भी ऐसा कहती है कि नहीं? दोनों मुल्कों के बीच में जब तक जंग रहेगी जम्मू कश्मीर के लोग पिसे जाएंगे। जम्मू कश्मीर का हर इंसान, महबूबा मुफ्ती की बात नहीं है, हर इंसान चाहता है कि हमें जंग से छुटकारा मिले। ये मुल्क दोनों आपस में मिल बैठ के बात कर ले ताकि जम्मू कश्मीर इस खून खराबे से बाहर निकल सके। जगह दीजिए।